गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड कुछ इंसिडेंट देख चुके थे, कुछ फिनोमिनॉन देखे थे हमने, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार या एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, आज हम लाइट की प्रॉपर्टी में एक और पॉइंट रीड करेंगे, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि लाइट का किसी छोटे छोटे पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराना, जस्ट टकरा के यहाँ वहाँ बिखर जाना, स्कैटरिंग कहलाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपने देखा होगा कि ये एक नेचुरल कंसेप्ट है, मतलब लाइट की जो प्रॉपर्टी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें स्कैटरिंग भी एक नेचुरल कंसेप्ट ही है, जिसमें कोई भी वाइट लाइट है वो या तो मीडियम के किसी पार्टिकल से टकराती है या स्काई में किसी पार्टिकल की साइज लाइट की साइज से थोड़ी बड़ी होती है, लाइट रेस से थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए लाइट रेस आकर उस पार्टिकल से टकराती है और टकराने के बाद स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे कंसेप्ट देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्काई का कलर आपको ब्लू ही क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन भी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जब आप समुद्र की गहराई में देखते हैं या जब भी आप सी को देखते हैं तो उसका ब्लू कलर का दिखाई देना, ठीक। फिर जब सनराइज या सनसेट होता है तो उस समय पर आपको सन का कलर बिल्कुल रेड कलर में दिखाई देता है, रेडिश कलर का दिखाई देता है, ये सभी रीजन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के हैं। इसमें हम वन बाय वन देखेंगे, सबसे पहले हम टिंडल इफेक्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, स्कैटरिंग का फिर से एक बार मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि आप नाइन्थ क्लास में इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होता है, नहीं पढ़ा हो तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। कोलाइडल पार्टिकल जो कि लाइट से टकराते हैं या लाइट जब पास की जाती है इन पार्टिकल्स के बीच में से, तो ये लाइट इनसे टकराती है, इन लाइट रेज इनसे टकराती है, स्कैटरिंग होती है इनके बीच में और ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपको लाइट की जो बीम है, जैसे लाइट गुजरती है उसका पाथ भी दिखा सकते हैं। नाइन्थ में कुछ एक्टिविटीज गिवन है जिसमें सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है, और उसमें से टिंडल पार्टिकल या को पहचानने, सॉरी कोलोइडल पार्टिकल को पहचानने के लिए अंदर लाइट रेस पास की जाती है और जो जार होता है उसके एक साइड से लाइट पास करते हैं दूसरी साइड तक लाइट पहुँचने में, उस सॉल्यूशन के अंदर जो रास्ता लाइट ट्रैवल करती है वो आपको कोलाइडल पार्टिकल के थ्रू पता चल जाता है, क्योंकि उतने उतने पाथ पर लाइट चमकती हुई दिखाई देती है, वो पार्टिकल बिल्कुल ग्लिटर की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो बस वही यही इफेक्ट जो है ये कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण होता है और इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी सॉल्यूशन से, ट्रू सॉल्यूशन से लाइट पास होती है तो विजिबल नहीं होती, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हैं तो आपने देखा होगा पूरे पाथ लाइट रेस का जो पूरा पाथ होता है उसके एरिया को ये ट्रेस करके बता देती है, क्योंकि पार्टिकल बीच रास्ते में चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब इसी टिंडल इफेक्ट के बारे में अगर हम नेचुरली फिनोमिनन देखें या कुछ नेचुरल कंसेप्ट देखें, जैसे नाइन्थ में जो एक्टिविटी है वो लैब एक्टिविटी है जिसमें किसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं और डिफरेंट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके ये बताते हैं कि किस सॉल्यूशन में ये जो लाइट की बीम है उसका पाथ आपको ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है या उतना उतना पाथ ही चमकदार दिखाई दे रहा है, फिर आप उस सॉल्यूशन के पार्टिकल को कोलाइडल पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ नेचुरल कंसेप्ट की बात करते हैं, यानी कि आपने अर्थ के आसपास जो एटमोसफियर होता है वो एक तरह से हेटरोजीनियस पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, हेटरोजीनियस पार्टिकल मतलब क्यों ऐसा कहा है, क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल तो स्मोक के हैं, कुछ वाटर ड्रॉपलेट के हैं, ठीक है, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल है जैसे डस्ट के हैं, छोटे छोटे जो हमें दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, और कुछ अमाउंट एयर का होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से मिलकर पूरा एटमॉस्फेयर बना है जो कि एक मिक्सचर है और वो मिक्सचर हेटरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, तो जब कोई लाइट की बीम है, लाइट बीम यानी कि बहुत सारी रेज जब इकट्ठी हो जाती है, बंडल बन जाता है तो एक बीम कहलाती है, तो जब लाइट बीम ऑफ वाइट लाइट जो स्टार या सन से ट्रैवल करती हुई आती है तो वो जैसे ही, जैसे कि ये सन है,
यहाँ से लाइट रेस ट्रेवल करती हुई आई है, तो इस एटमोसफियर, ये जो डैश लाइन दिख रही है अर्थ के आसपास, ये क्या है? एटमोसफियर है। जैसे ही वो एटमोसफियर में एंटर करती है तो एटमोसफियर के इस तरह के हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कई सारे पार्टिकल, यानी कि स्मोक, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स और कुछ सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स है, या थोड़ा सा एयर पार्टिकल, एयर अमाउंट है, ठीक है, तो इन सभी से वो लाइट क्या होती है, टकराती है। इन सभी पार्टिकल जब ये इस एटमोसफियर के अंदर बीम आती है तो इन सारे पार्टिकल से स्कैटरिंग होती है और लाइट को यहाँ इस एटमोसफियर में आने के बाद ट्रैवल करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, और जब लाइट हमारे पास पहुँचती है तो वो कई सारे पार्टिकल से टकराते टकराते हमारे पास तक पहुँचती है। तो इस तरह से लाइट का स्कैटर्ड होना किससे होना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल, जो कि कोलाइडर पार्टिकल भी कहलाते हैं, वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। मतलब जब भी लाइट कोलाइडर पार्टिकल से टकराती है, स्कैटरिंग होती है, तो ये पार्टिकल चमकते हुए दिखाई देते हैं और इसी इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। दिस फिनोमेनन इज सीन व्हेन द बीम ऑफ वाइट लाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम। अगर आपको इस फिनोमेना देखना है तो आप किसी धुएं से, स्मोक से भरे हुए एक कमरे के अंदर जब लाइट, सनलाइट एंटर होती है, तो आपको कई बार लाइट के अंदर जो आने वाले पार्टिकल है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा आपने टीन शेड से बने हुए रूम के अंदर भी देखा होगा। टीन शेड के अंदर छोटा सा होल होता है जहाँ से सनलाइट अंदर एंटर कर जाती है, या खिड़की दरवाजे में कोई होल है और उसके अंदर लाइट एंटर कर जाती है, तो इस तरह से गोल स्पॉट बन जाता है और उतना उतना जो रास्ता होता है जहाँ से बीम आ रही है वो पूरा हमें चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टिंडल इफेक्ट कहलाता है, क्योंकि पार्टिकल से जब लाइट स्ट्राइक होती है तो वो आपको विजिबल पाथ दिखाती है। साथ ही आपने जब बहुत घने जंगलों में, जिसे कैनोपी कहते हैं, कैनोपी मतलब ऐसे जंगल जहाँ पर ऊपर की तरफ तो इतने घने पेड़ होते हैं कि वहाँ से लाइट का नीचे तक आना बहुत मुश्किल होता है, नीचे का हिस्सा जो पेड़ का रहता है वो पूरा घना और अंधेरा रहता है, तो ऐसे पेड़ के बीच में से जब पत्तियों के बीच में थोड़ी सी गैप बनती है और वहाँ से लाइट बीम जैसे ही नीचे की तरफ आती है तो नीचे जो अंधेरा होता है वहाँ पे डस्ट पार्टिकल और उसमें से केवल जो लाइट बीम आ रही है वो डस्ट पार्टिकल से टकराती है और वो पार्टिकल हमें थोड़े से चमकदार दिखाई देते हैं, और इस तरह से कैनोपी जो है, यानी कि बहुत डेंस फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं कैनोपी मतलब, तो वो छोटी छोटी जो पार्टिकल्स है उससे वो टकराती है छोटे वाटर ड्रॉपलेट से, ठीक है, और लाइट स्कैटरिंग होने के कारण हमें उस बीम का पूरा पाथ नज़र आता है। ये टीन शेड वाले रूम का मैंने एग्जांपल दिया, जो बच्चे कई बार खेलते हैं उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, जो लाइट के स्पॉट बनते जाते हैं उसे। नाउ द कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। अब देखो लाइट का स्कैटर्ड होना और उससे कलर कौन सा बनता है ये किस पर डिपेंड करता है, पार्टिकल की साइज पर। ये जो पार्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं, टीनी वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट पार्टिकल्स है, इनकी जो साइज होती है इस पर डिपेंड करता है कि कैसे कौन से कलर विजिबल होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट स्कैटरिंग हो रही है वो लाइट व्हाइट कलर की है और व्हाइट कलर की दैट मीन्स उसके अंदर ऑलरेडी 7 कलर्स हैं, तो कौन सा कलर हमें विजिबल होगा ये किससे कैसे पता चलेगा, किस पार्टिकल की साइज, किस साइज वाले पार्टिकल से वो लाइट टकरा रही है, स्कैटरिंग हो रही है। बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे साइज के, ठीक है, वो स्पेशली कौन से कलर की लाइट देते हैं हमें, ब्लू कलर की लाइट देते हैं। मतलब जब कोई वाइट कलर की लाइट है वो बहुत छोटे साइज के पार्टिकल से टकराती है तो वो लाइट 7 कलर में स्प्लिट तो होती है, बट उसमें से कौन सा कलर विजिबल होता है, केवल ब्लू कलर विजिबल होता है। लेकिन जो बहुत बड़े साइज के पार्टिकल से टकराती है और इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ, अगर साइज उसकी थोड़ी सी बड़ी होती है तो वो वाइट कलर भी हमें दे सकती है। मतलब हमें कोई कलर विजिबल ना होकर सिंपल वाइट कलर ही दिखाई दे सकता है, पर बहुत बारीक या बहुत फाइन पार्टिकल से टकराती है तो वो हमें ब्लू कलर की लाइट देती है, ठीक है। तो यहीं से आपका एक कंसेप्ट आता है, इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक कंसेप्ट निकलता है कि वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। अगर आप बिल्कुल साफ आसमान में ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको उसका कलर ब्लू कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एयर के अंदर जो छोटे छोटे एयर के खुद के मॉलिक्यूल, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल,
वाटर ड्रॉपलेट, ये सभी आपने देखा है। तो आपने जो एयर के पार्टिकल की साइज देखी है, और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल भी होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे डस्ट पार्टिकल है या वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इन सबकी साइज बहुत छोटी होती है। किससे? स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, यानी जो व्हाइट लाइट बीम चलती हुई आ रही है उसकी वेवलेंथ से इन पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है। ये इफेक्टिव स्कैटरिंग कहलाती है, जिसमें बहुत छोटी वेवलेंथ के कारण वो ब्लू कलर एंड में दिखाई देता है। देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, और जिनकी वेवलेंथ बड़ी होती है वो रेड एंड पर दिखाई देता है। मतलब मैंने आपको बताया था 7 कलर का स्पेक्ट्रम बनता है, तो उसमें से सबसे नीचे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर होते हैं और सबसे ऊपर रेड कलर होता है। तो जो भी वाइट लाइट, जो लाइट ट्रेवल करती हुई आती है, हमने कहा कि पार्टिकल की साइज इतनी छोटी होती है, किससे छोटी होती है? जो लाइट ट्रेवल करके आ रही है उसकी वेवलेंथ से भी छोटी होती है। और इफेक्टिव स्कैटरिंग कब कही जाती है? जब वेवलेंथ छोटी तो हो, पर इतनी छोटी हो कि स्कैटरिंग करने पर ब्लू कलर दे दें, और जो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट होती है वो हमें कौन सा कलर देती है? रेड कलर देती है। सो रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट, अब कितनी होती है वो साइज आप देखिए, 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। अब जो रेड लाइट की हमने कहा वेवलेंथ ज्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू ब्लू लाइट की वेवलेंथ से, तो कितनी होती है? 1.8 टाइम्स बड़ी होती है ब्लू लाइट से, ठीक है। दस जब सनलाइट होती है वो पास होगी थ्रू द एटमोस्फियर, देन द फाइन पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटरिंग बाय ब्लू कलर, और जो ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है वो कम होती है। तो हमें पता है कि जब व्हाइट लाइट पास होती है तो उस व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर फील है? 7 कलर फील है, और वो 7 कलर में से ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो इन छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे तो वेवलेंथ, बाकी सभी की वेवलेंथ ज्यादा है और पार्टिकल छोटे हैं, तो यहाँ पर केवल पार्टिकल से कौन सा कलर टकरा पाता है? ब्लू कलर की वेवलेंथ ही स्कैटर्ड हो पाती है, और किसके कंपैरिजन में? रेड कलर के। देन द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट एंटर्स अवर आइज, और जो भी लाइट अगर ट्रेवल करती हुई, मान लीजिए व्हाइट लाइट है, ठीक है, वो ट्रेवल करती हुई आ रही है, तो उसकी ट्रेवलिंग में सबसे उस व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर है, 7 कलर में से ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, यानी कि वही ऐसी वेवलेंथ है जो सबसे छोटे पार्टिकल से स्कैटरिंग हो सकती है। बाकी वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण या बड़ी साइज होने के कारण वो छोटे पार्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उस केस में केवल ब्लू कलर ही टकरा कर या स्कैटरिंग होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और बाकी कलर नहीं पहुंच पाते। और मान लीजिए कि अर्थ पर इस एटमोस्फियर ना हो, ठीक है, तो आपको कोई स्कैटरिंग नहीं दिखाई देगी, और जिसके कारण स्काई आपको डार्क या काला दिखाई देगा, क्योंकि जो बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर जाने वाले जो पैसेंजर्स होते हैं, वो उनको मतलब ऊंची हाइट से या बहुत ज्यादा ऊंचाई से स्कैटरिंग या कलर स्काई का ब्लू नहीं दिखाई देता है, बहुत मुश्किल से ब्लू कलर दिखाई देता है। जबकि आप नीचे खड़े हैं तो आपको आसानी से ब्लू कलर दिखाई देता है, क्योंकि जो लाइट ट्रेवल करती हुई आ रही है एटमॉस्फेयर में उसमें से केवल ब्लू कलर की लाइट की ही पार्टिकल से टकराने के कारण स्कैटरिंग हो रही है, और स्कैटरिंग होने के कारण वो लाइट जो है वो इधर उधर टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, इसलिए हमें ब्लू कलर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपने ये देखा होगा कि डेंजर जहां भी होता है, यानी खतरा जहां भी होता है, ठीक है, सिग्नल लाइट पर, वहां पर रेड कलर होता है, क्योंकि रेड कलर की जो स्कैटरिंग होती है वो कम से कम होती है, यानी कि बहुत ज्यादा कोहरा होता है या बहुत ज्यादा वो धुआं या डस्ट पार्टिकल, या जब ऐसी कोई जगह है तो वहां पर हमें पता है कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तो उन पर इन पार्टिकल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आसानी से ट्रेवल कर जाएगी, वो पार्टिकल से स्कैटर नहीं करेगी, और आसानी से ट्रेवल करने के कारण हमें रेड कलर दिखाई देगा। तो जहां पर डेंजर का साइन होता है वहां पर कैसा भी एटमोसफियर हो, ज्यादा स्मोक हो या वो कोहरा हो या कैसा भी कंडीशन हो, वहां पर हमें रेड कलर वो जल्दी आसानी से दिखाई देगा। तो इसीलिए रेड कलर की लाइट जहां डेंजर का सिग्नल होता है वहां दी जाती है, ठीक है। अब आपने सनराइज सनसेट के टाइम देखा होगा कि जब आप सनराइज या सनसेट को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? आपको सन का कलर
रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है। नॉर्मली येलो या बहुत ब्राइट होता है, बट धीरे धीरे सनराइज सनसेट के टाइम पे वो रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो आपने जैसे ब्लू कलर कैसे दिखाई देता है स्काई का, वो एक्टिविटी को समझ लिया, उसी तरह आपको सनसेट सनराइज के टाइम भी कंसेप्ट को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी आपका वर्क है, आपको पढ़ना है, और इस एक्टिविटी के थ्रू ही जब आप कुछ सल्फर के पार्टिकल हैं यहाँ पर और उसे मतलब ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से 2 या 3 मिनट तक आपको फाइंड आउट करना है सल्फर पार्टिकल की कुछ एक्टिविटी है, कोलाइडल जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था 9th क्लास में जो एक्टिविटी होती है, हम सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल इफेक्ट देखते हैं, ये एक्टिविटी आपका वर्क है, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो स्कैटरिंग कैसे होती है, स्कैटरिंग का मतलब होता है कि जब लाइट रेज होती हैं वो उसकी साइज और पार्टिकल की साइज से, पार्टिकल की साइज बड़ी हो जाए उसकी वेवलेंथ की साइज छोटी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली कोई चीज आने वाली है वो आसानी से उससे टकरा सकती है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि ये स्क्रीन है, इसकी साइज बड़ी है, और ये पेंसिल है, जैसे ही ऐसे पास होगा तो इसकी साइज बड़ी होने के कारण ये इससे आसानी से टकरा जाएगी, इसे रोक लेगी, तो सेम उसी तरह वेवलेंथ और पार्टिकल की साइज में यही एक्टिविटी होती है, ठीक है। और इसी एक्टिविटी के कारण आप ये समझ पाएंगे कि स्काई ब्लू कैसे होता है, और जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, और ये सनराइज सनसेट के टाइम पे ये रेड क्यों अपीयर होता है, ठीक है। क्योंकि जो सन है वो जब सेट या फिर राइज होता है, मतलब अस्त होता है या उदय होता है, तब अगर अर्थ का शेप देखे तो वो बहुत कर्व शेप में होती है, मतलब अगर सन यहाँ पर है मतलब वो थोड़ी डिस्टेंस पर है, और जैसे जैसे सन ऊपर आ जाता है तो यहाँ से ये जो कर्व शेप है, अर्थ का ऐसा शेप है, इसके कारण यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कम हो जाती है, जबकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अर्थ एटमोसफियर तक लाइट जो है, सनलाइट है, वो हमारी आँखों तक पहुँचती है, और उस केस में जो छोटी छोटी लाइट रेस है वो तो टकरा कर ब्लू कलर दिखाई देता है, जबकि जो हमारी आंखों तक इतनी दूरी तक केवल रेड कलर ही पहुंच पाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा होने के कारण वो एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे पार्टिकल का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और वो छोटे छोटे पार्टिकल से नहीं टकराती, ठीक है, नहीं स्कैटरिंग करती। इसीलिए जब सनराइज या सनसेट होता है तब जो कंडीशन है होरिजोन की, वो सन की डिस्टेंस इस पोजिशन से सबसे ज़्यादा दूर होती है, क्योंकि धीरे धीरे सन जब ऊपर आता है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कम है, केवल यही पोजीशन ऐसी है सनराइज सनसेट वाली जो कि अर्थ के सरफेस से दूर होती है। दूर होने के कारण सारी लाइट की जब स्कैटरिंग हो जाती है तो उसमें से केवल रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी स्कैटरिंग नहीं हो पाती, और केवल रेड कलर ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, ठीक है। इसीलिए आपको सनराइज और सनसेट के टाइम पर ये सन कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार आप एक्टिविटी को और पढ़िएगा, और यही रीजन आपको आंसर में भी लिखना है, ठीक है। तो यहीं पर आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड कुछ नेचुरल फिनोमिनॉन थे वो हमने पढ़ लिए, और आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।